वो कैसे पकड़ते हैं, ये सुनी है कहानी किसी ने? वो लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल दिए, अब उस बॉटल में छेद कर दिया, उसमें एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब एक बंदर आएगा वहां पे उस चने के लालच में और उसने अपने अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर ली, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उसका बॉटल का मुंह छोटा है तो हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अगर उस चने को वो छोड़ दे तो आजाद है, कोई और नहीं बांध रहा है उसको, उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। ये है वो चनों का डिजायर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दो तरह के डिजायर्स की मैंने बात करी ना, एक है जो आपको फंसाएगा, बांध देगा, गुलामी की तरफ ले जाएगा, एक है जो आपको आजाद कर देगा। ये है वो गुलामी वाला डिजायर, चनों का डिजायर। यह बड़ा खतरनाक डिजायर है। अब लोग मुझसे क्या पूछते हैं, बहुत लोगों ने यह पूछा है मुझसे अलग अलग सेशंस में, कि अगर हमारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, किसी के अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा तो वो कुछ करेगा ही क्यों, वो आलसी हो जाएगा, वो खाली बैठ जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा। ये बेवकूफों वाली बात है, अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जंगल में एक बंदर है, मान लो मैं हूं वो बंदर जो आजाद है, अब वो क्या करेगा, पूरा दिन जाकर बैठा रहेगा मेडिटेशन में या कलाबाजियां खाएगा? अरे खाएगा, कितनी कलाबाजियां खाएगा, क्या क्या करेगा, कुछ भी करेगा, अपने आप को तरह तरह से एक्सप्रेस करेगा, जो भी उसका बेसिक नेचर होगा उसके हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करता ही रहेगा। दूसरी तरफ से एक और बंदर है जिसको एक चने का लालच दे करके ये शिकारी, मतलब कि दुनिया, सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोगों की सोच, वो शिकारी है। उसने क्या किया, उस बंदर को वो चने का लालच दे करके पकड़ करके ले गए। अब वहां पर उसके आसपास में सारे बंदर ऐसे ही हैं, सारे, मतलब कि क्या ये सवाल उठ कहां से रहा है, देखो उसके आसपास में सारे बंदर कैसे हैं कि बेटा ये ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा, कलाबाजी नहीं खाएगा तो चना नहीं मिलेगा। तो बंदा क्या बोलेगा, वो बंदर क्या बोलेगा, आकर के मुझसे क्या पूछेगा कि यार तुम्हारी सारी बात समझ तो आती है, लेकिन तुम कह रहे हो कि जंगल में चने नहीं है तो कोई कलाबाजी क्यों खाएगा, कोई काम करेगा क्यों, बंदर गुलाटी क्यों मारेगा, बंदर कुछ करेगा क्यों? बंदर इसलिए करेगा क्योंकि उसका बेसिक नेचर है कुछ करना, बिना करे वो रह नहीं सकता, कुछ तो करेगा ही ना। हाँ, किसी मदारी की वजह से नहीं करेगा, गुलामी में नहीं करेगा, चाहे कोई भी आकर के कितने भी चने दे दे, कितने भी हीरे जवाहरात दे दे, कुछ भी दे दे, गुलामी नहीं पसंद करेगा।